नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है दृष्टि और इसलिए मैं अपने नज़रिए से आप सभी को अपनी सोच सिखाऊंगी। आज 26 जनवरी है और हमें उन मासूमों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने कोरोना बीमारी की जंग में अपनी जान गंवा दी और साथ में उनको बचाने वाले उन वीर योद्धा, डॉक्टर, पुलिस और जितने भी सहयोगी रहे वो सभी को। पूरी दुनिया के लिए 2020 बहुत बुरा बीता, तो चलिए याद करते हैं आज उस साल को, यानी 2020 का पूरा रिव्यू देखते हैं कि कैसे उन मासूम वीर योद्धा और हम सभी ने कोरोना को फेस किया। तो चलते हैं। जब लोग जनवरी में अपनों के लिए स्वेटर बुन रहे थे, तभी लोग कानों में कुछ अनहोनी की न्यूज़ सुन रहे थे। दूर किसी देश में कुछ तो हुआ है जो पूरी दुनिया के लिए बुरा है। फिर फैब में सुनने को आया, ये तो एक बीमारी है जो लोगों की जान पे भारी है। जाने अब क्या होना है, इस बीमारी का नाम तो कोरोना है। मार्च होते ये हमारे मुल्क में भी आ गया, हर तरफ सन्नाटा छा गया, हर तरफ लॉकडाउन लग गया, स्टे होम स्टे सेफ का नारा सज गया, रोजगार सब बंद हो गए, लोगों के मन कोरोना से डरने लगे, भूख प्यास से लोग तड़पने लगे, अपने आसियाने जाने के लिए लोग तरसने लगे, सब रास्ते गाड़ियां बंद कर दिए गए, लोग पैदल ही अपने घर को जाने लगे। इधर लोगों के मरने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, लोगों का हौसला टूटता जा रहा था। फिर प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाई, दिए जलवा के, थाली ताली बजवा के लोगों में एक उम्मीद जगाई कि समस्या जितनी भी बड़ी हो, हम सबकी हिम्मत के आगे कुछ भी नहीं। फिर लोग मदद को आगे आए, कितने भूखों को खाना खिलाए, पुलिस, डॉक्टर, नर्स सेवा में जी जान से लगे, खुद की जान दांव पे लगा के दूसरों की जान बचाए। इधर कोरोना बढ़ रहा था, बॉलीवुड में भी कहर चल रहा था, कीमती सितारे दुनिया छोड़ के जा रहे थे, सुसान ड्रग्स न्यूज टीवी पे दिखाए जा रहे थे। बॉलीवुड दो गुटों में बढ़ गया, बीएमसी ने कंगना का ऑफिस तोड़ दिया, हर तरफ निगेटिविटी फैली हुई थी। इतना सब कुछ बुरा हो रहा था दुनिया में कि ये पूरी कायनात भी रो रही थी। इतना कुछ हो रहा था बट इसमें भी कुछ तो अच्छा हो रहा था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस समय वो अच्छापन दिखता नहीं। वक्त बीत जाने दो, यही होना चाहिए था, यही बेटर था, फिर इंसान खुद बोलता है। ये कोरोना है तो बुरा बट इसकी वजह से वो हुआ जो बरसों से नहीं हो पा रहा था। दूर जगह पे जो अपने रहते थे, मिलने को तो दूर, बात करने के भी वक्त नहीं हुआ करते थे, आज वो भी अपनों के पास समय बिता रहे हैं। अब हर दिन त्योहार की तरह बीत रहे हैं, टीवी में एक बार फिर रामायण और महाभारत सीरियल चल रहे हैं, हर किचन से अच्छी सुगंधें आ रही हैं। भैया इस लॉकडाउन में हर लेडी एंड जेंट्स हलवाई बन रहे हैं। इधर बायकॉट चाइना हुआ है, पबजी एंड टिकटॉक जैसे ऐप्स बंद किया गया है, लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, अपने टैलेंट्स वीडियोस बना रहे हैं। बच्चे भी कम नहीं है पीछे, वो भी स्टडी के बहाने अपनी डिजिटल नॉलेज बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी। हेलो मैडम, आई एम रेडी। लॉकडाउन में सब बंद है, वातावरण भी स्वच्छ है,
नेचर का हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, पंछी चहचहा रहे हैं, बारिश भी हो रही झमाझम। लॉकडाउन खत्म हुआ, जिंदगी का सफर कुछ शर्तों के साथ फिर से शुरू हुआ। मुंह में मास्क लगा के बाहर निकलिए, 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइज करते रहिए। हफ्ते में कुछ दिन ये दुकानें खुलेंगी तो कुछ वो, घाटा किसी का नहीं होने देंगे, रोटी किसी की नहीं छीनेंगे। अपनी सुरक्षा और दूसरों की रक्षा को ध्यान में रख के शादी त्योहार बनाएं, भीड़ वाली जगह सोच समझ कर जाएं। अब तो वैक्सीन आ गई, किसानों पे मुसीबत आ गई, फार्मर्स प्रोटेस्ट न्यूज छा गई, इतना सब कुछ हो गया, ये साल भी खत्म हो गया। चलो शुरुआत करते हैं नए साल की, 2020 को पीछे छोड़ के 2021 का वेलकम करते हैं। Hey guys, welcome to all my YouTube channel CIT and very congratulations to all of you guys. Finally corona vaccine आ गई है और जिसका यूज 16 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और आज से एक साल पहले हमारे पास कोरोना बीमारी का कोई सलूशन नहीं था, बट आज है और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये साल वैक्सीन के रूप में हमारे लिए खुशियाँ लाया है। कोरोना के टीका लगने की पहल से आज सही मायने में देखा जाए तो हम सभी अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई। साथ ही में गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और अब हम ये वीडियो यही एंड कर रहे हैं, अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्रिएटिविटी के साथ, और वीडियो टाइम से कोशिश करेंगे अपलोड हो। तो आप सभी को CIT की ओर से नमस्ते, तब तक ले घर पे रहें एंड स्वस्थ रहें। बाय, लव यू गाइस। लड्डू बोल दो, हैप्पी न्यू ईयर। उत्तर बोलो, हैप्पी न्यू ईयर।